नगर परिषद क्षेत्र के हरचंदपुर गांव के झुग्गी झोपड़ी में पवित्र हृदय एनजीओ की तरफ से आजाद भारत देश की प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्मदिन और पवित्र हृदय एनजीओ के उप चेयरमैन पुष्पा वर्मा का जन्मदिन झुग्गी झोपड़ी के जरूरतमंद बच्चों के साथ शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। पवित्र हृदय एनजीओ के चेयरमैन और पवित्र हृदय एनजीओ के उप चेयरमैन के द्वारा जरूरतमंद बच्चों को कॉपी कलम किताब और मिठाइयां वितरित की गई। पवित्र हृदय एनजीओ के चेयरमैन ने कहा कि आजाद भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री यह चाहते थे कि भारत देश में 1 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा फ्री हो, वोकेशनल ट्रेनिंग और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिले, खास करके बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षित होने का मौका मिले। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यह कहते थे कि भविष्य के विकास की यदि कोई प्रयोगशाला है तो वह पाठशाला ही है, जहां बच्चे पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर तो कोई कलेक्टर बनता है। इस प्रकार भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री का जन्मदिन मनाते हुए पवित्र हृदय एनजीओ के उप चेयरमैन का जन्मदिन जरूरतमंद बच्चों के साथ शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। नगर परिषद क्षेत्र भिवाड़ी के औद्योगिक नगरी भिवाड़ी और बाबा मोहन राम की पवित्र नगरी भिवाड़ी के लिए सभी बच्चों के साथ बाबा मोहन राम से यह प्रार्थना की गई कि बच्चे स्वस्थ रहें।